नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी कोई नहीं है इस संसार विच, अगर कोई सुखी है तो इस भगवान दे नाम जप करण वाला। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान समाधि वाले महाराज जी, उन्होंने इतने बहुत तपस्या की है, इतनी तपस्या उन्हें दी है कि अज जो असं कमाई खा रहे उन्हें कमाई खा रहे हैं। साड़ी साधना नहीं हैगी, जो साधना है उन्हें साधना हैगी। प्रेम मंदिर पानीपत का पहला एक ऐसा मंदिर है जहां सब कार्य महिलाएं ही करती हैं, पुरुष सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी में है। वर्तमान में 30 महिला देवी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इसमें बुजुर्ग, मानसिक रूप से कमजोर, अकार बार ब्रह्मचारी भी हैं। मंदिर के बाकी सब काम महिलाएं ही करती हैं। महावीर बाजार में बने प्रेम मंदिर में आज से 3 दिन के लिए 103वां वार्षिक उत्सव शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में भारत के महान संत सत्संग की धारा बहाएंगे। मंदिर की गद्दी 103 साल पुरानी है। मंदिर की स्थापना 1920 में लैया शहर में हुई थी। बंटवारे के बाद पानीपत में बने इस मंदिर की 1957 में नींव रखी गई। मंदिर में कनूठी परंपरा शताब्दी वर्ष से चली आ रही है। मंदिर में गद्दीशीन सिर्फ महिला ही होती हैं। ये नियम पहली गुरु शांति देवी महाराज ने बनाया था। इसके पीछे की कहानी के बारे में मंदिर के ट्रस्टियों ने बताया कि 1920 में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें मजबूत करने के लिए पहली गुरु शांति देवी महाराज ने नियम बनाया था कि गद्दीशीन महिला ही गुरु होंगी, ताकि महिलाओं के हक की आवाज उठाई जा सके और उस समय की महिला विरोधी कुरीतियों को खत्म किया जा सके। गद्दी पर महिला ही गुरु हो, ये परंपरा आज तक कायम है। मंदिर में वर्तमान में 5वीं गुरु कांता देवी महाराज परमाध्यक्ष हैं। आने वाले समय में उनके बाद 6वें गुरु के रूप में उनकी उत्तराधिकारी प्रभा देवी महाराज गद्दी संभालेंगी। ये मंदिर जो है, इस मंदिर की स्थापना लैया जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव प्रथम ने 1920 में स्थापना की थी, चलाया था। और ये था सिर्फ महिलाओं के लिए, के उत्थान के लिए, जो बाल विधवा या जो जिनको कोई नहीं समझता, घर में रखने को तैयार था, गुरुदेव ने उनको अपने यहाँ शरण दी और वो अपने उनको जीवन का उनका उद्धार किया। हमारे यहाँ उस मूल जो है वो सनातन धर्म से है। यहाँ राम, कृष्ण, गुरु नानक देव सबका होता है, सबकी पूजा होती है। सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो कार्य प्रणाली है, उस पर ही हम कार्य करते हैं। और दूसरी बात जो है कि यहाँ पर सिर्फ महिला ही गुरु होती हैं, और आने को पुरुष भी आते हैं, मना नहीं है, पर यहाँ जो रहती हैं वो सिर्फ महिलाएं रहती हैं, स्त्रियाँ रहती हैं, और पुरुषों के स्थान नहीं है। पुरुष जो हैं वो मैनेजमेंट और ऊपर की सेवा कार्य के लिए होते हैं, मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। कोई भी जाति भेद नहीं है, कोई भी आ सकता है। इसका नामकरण भी वहीं लैया में हुआ था, प्रेम प्यार की भावना से इसका नाम रखा गया था, श्री प्रेम मंदिर। प्रेम का मंदिर है, प्रेम का स्थान है, प्रेम से जो जीव आवे उसका ही कल्याण है। मैं रमेश कुमार असीजा इस मंदिर से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे जहाँ तक याद है 1952-53 से मुझे महाराज श्री की स्मृतियाँ और उनके जो उनके साथ रहने का अनुभव मिला हुआ है, मुझे सौभाग्य मिला। और मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत भाग्यशील समझता हूँ कि मुझे ऐसे गुरुदेव के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। एक लैया शहर है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में। वहाँ पर हमारे जो पहले पातशाही गुरु थे, उन्होंने संन्यास लेकर ये मंदिर वहाँ से शुरू किया था आज से 103 साल पहले। उसके बाद जैसे विभाजन हुआ तो वो अपने वहाँ से मूर्तियाँ जो भी थी उसको लेकर पानीपत शहर में, क्योंकि ज़्यादा हमारे लैया के लोग आए थे,
यहाँ पर इन्होंने जहाँ पर आगे प्रेम मंदिर दोबारा स्टार्ट किया, और उसके बाद ये जो वर्तमान जो बिल्डिंग है 1957 से इस बिल्डिंग में हमारा मंदिर चल रहा है। और इतिहास पाकिस्तान से ये जुड़ा है भी, हमारे जो लोग वहाँ हिंदू रहते थे वो सारे ज़्यादातर पानीपत आ गए, दिल्ली चले गए, कानपुर चले गए, बहादुरगढ़ चले गए, झज्जर चले गए, वहाँ के सभी जो हमारे लोग आए हुए हैं इस प्रेम मंदिर से जुड़े हुए हैं सारे। वर्तमान जो है 30 के करीब देवियाँ हमारे मंदिर में रहती हैं, पहले कुछ ज़्यादा थी, अब कुछ कम हो गई हैं, क्योंकि अब जैसे परिवार नियोजन का टाइम के हिसाब से पहले बच्चे ज़्यादा होते थे, देवियाँ भी ज़्यादा आ जाती थी, अब बच्चे भी एक एक दो दो होते हैं हर एक, उसी वजह से संख्या हमारे देवियों की कम हो गई। महिला जो हमारे मोदी जी ने आजकल नारा दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण का, शायद हमारे पहले गुरुदेव जो थे, पहले ही पातशाही जो गुरुदेव थे, उन्होंने आज से 100 साल पहले ये बात सोची थी कि महिला की जो स्थिति आज समाज में है उसको सुदृढ़ करना ज़्यादा जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने जो भी ये गद्दी है वो महिला के नाम की हुई है। जो देवियाँ यहाँ रहती हैं वो उनमें से ही किसी को चुना जाता है। जो वर्तमान महाराज जी हमारे हैं श्री कांता देवी, श्रीमती कांता कुमारी कांता देवी जी, वो बचपन से ही संन्यास लेके इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, और उनके उत्तराधिकारी जो हैं कुमारी प्रभा देवी जी, वो भी बचपन से ही संन्यास लेकर इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। लैया समाज में जन्म लेने वाले बच्चों के माता पिता गद्दीशीन गुरु से ही नामांकन करवाते हैं। अब तक हर साल सैकड़ों बच्चों के नामांकन वर्तमान गुरु ही करती आ रही हैं। पहले मंदिर समिति मंदिर से जुड़े कार्यक्रम व सत्संग देखते थे, लेकिन अब समिति खत्म करके ट्रस्ट बना दिया गया है। ट्रस्ट की मुख्य अध्यक्ष कांता देवी महाराज हैं, इसके बाद उनकी उत्तराधिकारी प्रभा देवी हैं, इसके अलावा 5 सदस्य और इस ट्रस्ट में हैं। इसमें चरणजीत सिंह रत्रा, परमवीर ढींगड़ा, रमेश असीजा, कृष्ण लाल ढींगड़ा, अनिल नंदवाली शामिल हैं। ये शुरू से मतलब पाकिस्तान से ही चलता आया है, हमारे जो बड़े महाराज जी हैं उन्होंने ये मतलब अपना अमल स्थापित किया था, और आगे जो देवियां हैं सब इसमें रहती हैं, और ये सालाना यज्ञ सालाना सम्मेलन कह लो, ये मतलब हमारे जितने भी अपने सेवक हैं या जितने श्रद्धालु हैं सबको एक एकत्रित करने के लिए, सबको एक प्रोग्राम देने के लिए, जैसे कि हर जगह होता है, हर द्वार भी होता है, जैसे हर मिलापी जी का और भी कई जगह होता है सम्मेलन यज्ञ होते हैं, तो ये 3 दिन का हमारा यही होता है। इससे पहले हमारा 6 दिन का होता था, श्री हर मिलापी जी हरिद्वार के आते थे, वो 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक उनका होता था, और धीरे धीरे जैसे है मतलब थोड़ा टाइम की वजह से जो भी है उनको 3 दिन का 4 दिन का हो गया। मेरा नाम कृष्ण लाल ढींगरा है, और मैंने जो कुछ भी पाया है इस महाराज जी के चरणों से पाया है, पहले मेरे पास कुछ नहीं होता था, आज बाबा की कृपा से जो भी है महाराज जी की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, और बड़ी मतलब मेहर है। मैं हरीश कुमार बजाज हूँ, बहादुरगढ़ रहता हूँ जी, हर साल यहाँ आता हूँ, सदस्य भी हूँ समिति का, और हमारे बुजुर्ग दादा लाई ये मंदिर से जुड़े हुए हैं जी। 13 फरवरी 1920 को लैया में हमारे फर्स्ट जो पहली पातशाही थी उन्होंने ये नींव रखी थी मंदिर की, तब से ये परंपरा सालाना सत्संग की चली आ रही है, 3 दिन का सम्मेलन होता है जी। मुख्य लक्ष्य जो इस मंदिर के हैं जी वो नारी का उत्थान है, पहले अशिक्षित होती थी नारी, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका जो भी कोई गरीबी रेखा से आस पास होता उनको उत्थान करना, पुनर्स्थापना करना, और सारी उनको शिक्षित करना मेन जो कार्य है ये है। और यहाँ जो आप देख ही रहे हो कि कोई भेदभाव नहीं, प्रेम का मंदिर है, प्रेम का स्थान है, प्रेम से जो यहाँ आते हैं उनका होता कल्याण है, न जाने कितनी देवियाँ यहाँ से अपना कल्याण करके नाम जप से सेवा करके स्वाध्याय करके और अपने अपने गोलोक गमन करके, और अब वर्तमान में भी देवियाँ यही कार्य कर रही हैं, सेवा कार्य कर रही हैं, पूरी तरह समर्पित हैं देवियाँ जी। अब आपको मिलवाते हैं कांता देवी महाराज से, जो बताती हैं कि वो जब मंदिर से जुड़ी तो परिवार के लोग नाराज थे, लेकिन बाद में वो भी मान गए। उन्होंने इस मंदिर में ही रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा ली। महाराज जी बताती हैं कि यहाँ पर रात में पुरुष नहीं रुक सकते हैं, और साथ ही गरीब परिवारों की पूरी तरह से मदद की जाती है।
पाकिस्तान इच पहले छोटा जा आश्रम से, उस तो बाद जो पाकिस्तान का पार्टीशन होया है उस तो बाद इतने एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये इस टाइम जरा यज्ञोत्सव मनाया जा रहा है 103वां यज्ञोत्सव, पहले छोटा रूप से हूँ धीरे धीरे सेवका ने भक्तों ने सानू बहुत सहयोग दिता उदे करके विशाल उत्सव मनाया गया है। इस आश्रम गरीबों को सहयोग मिलता है, जेडे गरीब कन्यावें उन्हां दी हेल्प की जाती है, जेडे बच्चे असहाय हैं उन्हां दी विद्या का फीस जी है पर मंथ प्रेम मंदिर लिया ट्रस्ट जी देती है। लिया ही तो हूँ हो गया, लेकिन पानीपत जो हम मंदिर बन रहा है उसके हर देवी जेंट्स आते ने, लेकिन नाइट स्टे कर किसी ने विदाउट उदे इन अलाउड नहीं है। रात में जेंट्स त रुक सकते हैं अगर कोई जान पहचान है, नहीं तो सब इतने आश्रम जड़े देवियां दे रात में गार्ड रख लेंगे, चौकीदार भी रखे हुए ने, दो सेवादार भी इतने रखे हुए ने आश्रम की सफाई करने वास्ते। असी तो 3 साल के बच्चे से फ्राक पाते उस टाइम तो इस आश्रम जुड़े। साड़ी लगन इस तरह लगी सी कि परिवार धन की कमी सी उदे कारण साड़ी ठोकर लगी परिवार तो, और दूसरा असी जिसनु भी वेख्या संसार रिश्तेदार पड़ोस अपने माता पिता नु मैंने कोई सुखी दिखाई नहीं दिता। लास्ट मैं ये डिसीजन ले लिया है कि भाई नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार, सुखी कोई नहीं हैगा इस संसार विच, अगर कोई सुखी हैगा तो इस भगवान दे नाम जप करण वाला। परिवार वाले ने विरोध नहीं किया, पहले परिवार वाले ने जबरदस्त विरोध किया सी भयंकर, लेकिन बाद विच उन्होंने देखा जब बच्चा कह मन इच्छा नहीं है उदी इच्छा नहीं है तो फिर असी बच्चे की इच्छा नु रोक नहीं सकते। परिवार वाले तो शुरू तो पाकिस्तान तो जुड़े हैं, ये मेरे को जो है जद्दी है जेड़े मैं संस्कार मिलने ये जद्दी संस्कार है ने, मेरी अपनी पैदाइश नहीं है। मेरे पिता जी डॉक्टर से वो थोड़ा उस टाइम अगेंस्ट हुए सी मेरे, लेकिन बाद इस सब परिवार जेड़े अपने आप मेरी गल नू मन गया। सिर्फ उन्होंने एक कंडीशन लगाई सी कि ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो मैट्रिक क्लियर कर दो उस तो बाद तो असी कुछ नहीं कहेंगे। बस 13 साल की मेरी उम्र सी, वैसे तो मैं 3 वर्ष की आयु इतने आ चुकी सी, लेकिन परमानेंट जो मैं 13 स्कूल मैं इतों ही जाया करती सी, श्री प्रेम मंदिर के आश्रम तो सीधी मैं स्कूल इतों ही जा रही हूँ, पढ़ाई भी मैं इतने रह के की है, और मेरे परिवार को बहुत सहयोग मिले इस गुरु दरबार तो। पहले इतने ट्रस्ट नहीं सी, हूँ इतने की है जी ट्रस्ट बन गई। इतने एक तो सब तो बड़ी चीज़ ये कि करैक्टर बहुत अच्छा सी, इस चीज़ को देख के मेरे पिता जी ने सानू अलाउ किया सी, और दूसरी चीज़ ये सी कि इतने गरीबों को विशेष प्यार मिले, असी गरीब स्थिति तो क्रॉस किया तो सानू ये लगे जिस स्थान विच गरीबों को विशेष सहयोग मिलता है उदी वास्तविकता है। और ये आज इतने जेड़ी पहली पातशाही प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान समाधि वाले महाराज जी उन्होंने इतने बहुत तपस्या की है, इतनी तपस्या उन्होंने है कि अज जो भी असं कमाई खा रहे उन्होंने कमाई खा रहे हैं, साड़ी साधना नहीं हैगी, जो साधना है उन्होंने साधना हैगी, असं कुछ नहीं कर रहे हैं। और हूँ भी अज भी मैं खुद देख रही हाँ कि इतने पहली पातशाही चारों पातशाहियाँ कण कण व्यापक होकर सारे काम खुद कर रहे हैं, नहीं तो सानू कौन पूछता सी, सानू तो किसी ने पूछना सी, अगर आज सानू दुनिया पूज रही है तो कमाई उन्होंने कमाया है असं खा रहे हैं। कमाई का मतलब धन का कमाना नहीं हैगा, उन्होंने भजन की कमाई की, सत्संग की सादगी की, उन्होंने जीवन जरा बहुत ही सादा जीवन से, असी तो फिर भी उन्होंने टाइम तो बहुत फर्क पै गया, उन्होंने जीवन जितना सादा से कोई सोच भी नहीं सकता। मालिक होके संस्था के मालिक होके हल्का जग वस्त्र पहनते सी, पतले पतले गरीबों जेड़े देंदे सी सफेद वस्त्र इतने दरिया शुरू तो। सोमवार को इस कार्यक्रम का समापन होगा और समापन के इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ महाराज भानपुरा पीठ, महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद महाराज हरिद्वार, महामंडलेश्वर ज्ञानानंद महाराज दयानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर गोपाल दास महाराज सहारनपुर, महंत अरुण दास महाराज हरिद्वार, स्वामी राधेश्याम महाराज रमायणी अयोध्या धाम अकार भक्ति स्वरूपा
गीता देवी महाराज आएंगी। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।